हेलो, वी आर बैक अगेन। इस बार का हमारा टॉपिक है स्किन इन्फेक्शन एंड हेयर लॉस इन डॉग्स। क्या आपके डॉग के बाल झड़ रहे हैं या फिर किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन? तो इस वीडियो में आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। पहले ये जानते हैं कि आपके डॉग को हेयर फॉल है या फिर शेडिंग। शेडिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें डॉग के बाल पूरे साल गिरते रहते हैं। में बालों का गिरना वेदर के अकॉर्डिंग भी होता है। अगर शेडिंग हो रहा है तो इसमें आपको कोई भी एक्शन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये एक बिल्कुल ही नॉर्मल और सेफ प्रोसेस है। हेयर फॉल, हेयर फॉल तब होता है जब आपके डॉग का हेयर ग्रुप या क्लम्प्स में निकले और हेयर इतना थिन या पतला हो जाए कि आपके डॉग का स्किन विजिबल हो। अगर आप अपने डॉग में इस तरह के कोई भी सिम्टम्स देख रहे हैं तो आपको स्ट्रिक्ट और तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब चलते हैं हेयर फॉल के सिम्टम्स पर। ओवरऑल हेयर का पतला होना, हेयर लॉस के आसपास रेड कलर के बम्प्स, पिंपल्स या स्किन का फुला होना, हेयर फॉल के एरिया पे ब्लैक एंड वाइट कलर के पैचेस का होना, डैंड्रफ, खुजली और स्किन का ड्राई होना और माउथ के आसपास हेयर लॉस होना, बदबू। बात करेंगे हेयर लॉस और स्किन इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहले रेड बम्स, इन्फ्लेम्ड स्किन, रेड पिंपल्स, दूसरा ब्लैक एंड वाइट पैचेस, तीसरा डैंड्रफ, खुजली या स्किन का ड्राई होना। अगर आपके डॉग को हेयर फॉल के साथ रेड बम्प्स, रेडनेस या स्क्रैचिंग भी है तो आप ये शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं। बीफर पैटिना शैम्पू, पेडबिन स्किन केयर शैम्पू। अगर आपके डॉग को हेयर फॉल पैचेस में हो रहे हैं तो आप इनमें से कोई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। मिकोडिन शैम्पू, स्काईएक केयर बेस्ट शैम्पू, फर्बैक सेबुलेटिक शैम्पू, पेटहेक्स स्किन केयर शैम्पू। अगर आपके डॉग के बॉडी में डैंड्रफ, वाइट फ्लेक या वाइट पाउडर या फिर स्किन ड्राई हो रहा है तब आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, सेलेड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू। वीडियो में मेंशन किए गए शैम्पूज को आप अपने डॉग के बॉडी में इस तरह से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद उसको डॉग के बॉडी में एटलीस्ट 15-20 मिनट्स तक रहने दीजिए। 20 मिनट्स के बाद आप शैम्पू को पूरी तरह से धो दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप अपने डॉग को प्रॉपरली बात करा देते हैं कीजिए कि आप अपने डॉग को जल्द से जल्द सुखा दें। ऐसा करने के लिए आप ब्लो ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहे तो उसको सूरज या सन के नीचे भी रख सकते हैं। शैम्पूस के साथ आप सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स आपके डॉग के हेयर लॉस को कम भी करेगा और साथ साथ नए हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। न्यूट्रीकोट एडवांस, बीफर सैल्मन ऑयल, हिमालया फरग्लो, स्काई एग स्टार कोट। सप्लीमेंट्स कितना और कब देना है, इसका मतलब डोसेज कितना होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके डॉग के वेट पर। सप्लीमेंट्स के डोसेज जानने के लिए आप अपने वेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये तो बात किया हमने ट्रीटमेंट के बारे में, और आप यही चाहेंगे कि हेयर लॉस और स्किन इन्फेक्शन वापस आपके डॉग को ना आए। अब हम बात करेंगे हेयर फॉल से बचने के कुछ और तरीकों पर। रेगुलर ग्रूमिंग, हमेशा अपने डॉग के बॉडी हेयर को अपोजिट डायरेक्शन पर ही ब्रश करें। क्लेनलीनेस एंड सैनिटेशन, आपके घर की सफाई भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा अपने घर को जिप्स कैनल हाइजीन से क्लीन करें। बहुत बार होता है कि कुछ डॉग नॉर्मल फेनाइल से भी एलर्जिक होते हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस और स्किन इन्फेक्शन वापस आने के चांसेस होते हैं। मेक श्योर करें कि आपका डॉग ना ही पानी में सोए और ना ही पानी में खेले। टिक्स, एलर्जिक प्लांट्स, ये भी कुछ वजह हैं जिनसे हेयर लॉस और स्किन इन्फेक्शन होता है, तो आप अपने डॉग के बॉडी को रेगुलर चेक करते रहें। हमेशा अपने डॉग को रेगुलर इंटरवल्स पर ही डीवॉर्म करें। एलर्जिक फूड को अवॉइड करें। वीडियो में दिखाए हर प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं www.marshallspetzone.com पर,
और प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी क्लिक कर सकते हैं।